गणेश, इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना। अरे ये क्या किया? अभी नया खरीदा था। ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैंने? ये सिम किसके नाम पे? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही पे करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको। वो मैं इस राज्य के सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करते हैं सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। लेकिन आज एक एसपी ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो शादीशुदा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रह गई? कौन है वो बदनसीब? हमारे एरिया की एमएलए है। अरे वाह, इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली? तूने तो सीधा असेंबली में जाकर डाका डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तू चुप कर, इन मैसेजेस का क्या मतलब है? कौन से मैसेजेस पापा? 1 2 3 टुडे आई एम फ्री, 4 5 6 दिल है तुम पर फिक्स। स्कूल बुक से कॉपी मारा था। मेवा खिलाऊंगा, मेवा ना मिला तो क्या लिखा है ये? शायरी ट्राई की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू, 80 90 पूरे 100, ये क्या बकवास है? अलार्म की रिंगटोन है। कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव लव में। तुम कब करोगी? फोन कॉल से तो मैं कर रहे। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, एमएलए से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता, इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे। कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको ही क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ, मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? मेरे स्वामी आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्या हो गया, ऐसे सच धज रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। भाई टकरू आया है ना? ऐसा मत बोल, मेरे लिए तो वो आज भी हीरो है। काय का हीरो, हीरो चपड़ गंजू तो लगता है। अभी तो उसके साथ घर जाएगी, खाना बनाएगी उसके लिए, वो खाना खा के खर्राटे मार के सो जाएगा। अब बुढ़ाऊ से उम्मीद भी क्या करेगी, जवानी बर्बाद करे काय को। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पद्मा अब घर चले। पाइपलाइंस के लिए 8 करोड़ सैंक्शन करवाए, अब आपको पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। मेट्रो का काम भी जल्द शुरू होगा। मैडम की प्रेस वालों के साथ मीटिंग है, आप लोग जा सकते हैं। एमएलए मैडम, आई लव यू। ये कुत्ते की दुम यहाँ? मैं आपका सच्चा फैन हूँ मैडम, आपके लिए ये फूल लेकर आया हूँ। कहाँ जा रहा है? ए, उसे जाने दे, मैडम का लवर है ये, सारे काम साथ में करते हैं, डिटेल्स बाद में बताऊंगा। आने दो, आपकी तरह ये भी मेरा फैन है। हाँ सही कह रही है, मैं एक फैन हूँ। आप लोग जाइए, मैडम महान है। मार ही डालोगी। क्या नाम है? गणेश उर्फ गना। गणेश, करते क्या? फिलहाल तुम्हें पटा रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो? मैं तो बचपन में इससे भी ज्यादा फ्रैंक था। क्या कहा? तुम बचपन में क्यों नहीं मिली मुझे? कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्यों? तुम वोट मांगने हमारे आगे पीछे नहीं घूमती? अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, डिमांड एंड सप्लाई। तेरे एक वोट से जीती हूँ क्या बिसाले? एक एक वोट से घड़ा भरता है। भूल गई तुमने हमारी कॉलोनी में आके हमसे प्रॉमिस किया था? मैं कब आई वहाँ पर? आई थी पिछले इलेक्शन में, शास्त्री कॉलोनी आई थी या नहीं? आई थी। एक ओपन जीप में आई थी ना? हाँ तो क्या? तुमने कहा प्यारे नागरिकों, कहा था ना? कहा होगा। फ्लाइंग किस दी थी ना? कहा था तुम सब मेरे हो, कहा था ना? हाँ हाँ, तो उसी दिन से मैं तुम्हारा हो गया। अबे वो मैंने तेरे को पर्सनल कहा था क्या? वो सब मैं नहीं जानता, मैंने तो पर्सनली ले लिया ना। तेरी तो सब देख रहे हैं तुम्हें। बाद में देखती हूँ तुझे, साला लुच्चा लफंगा कहीं का। अरे एमएलए मैडम, आई लव यू। चप्पल से मारूंगी तुझे। आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, मार डालो। Beep!
want justice. We want. उसने रेप किया है, फांसी तो होनी चाहिए. We want justice. 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 We want. मेरा आज का काम खत्म हो गया, आप चलें. चाचू, मुझे एक केस करना है. किस पर केस करेगा? उस एमएलए पर. एमएलए पर करेगा? हाँ, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं करती? अबे ये भी कोई बात हुई? अरे साइकिल की चोरी पर केस हो सकता है? उसने तो मेरा दिल चुरा लिया है, केस तो बनता ही है. कोई कदम लागू नहीं होती. मार देगा केस. चल उठ जा, निकल. ये मामला क्या है? एमएलए यहाँ क्या कर रही है? आज 28 जनवरी को महिमा रेप एंड मर्डर केस की फाइनल हियरिंग होने जा रही है. जनता महिमा को सपोर्ट करने के लिए अदालत के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है. अब देखने वाली बात ये है कि अदालत वीरेंद्र को सजा देती है या फिर उसे इस केस से बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि वीरेंद्र बिजनेसमैन प्रसाद कुमार के बेटे हैं. धनुष के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, हमारे वकील साहब अभी तक नहीं आए. साइलेंस. मूर्ति जी, अब तक लॉयर क्यों नहीं आया? मैंने सुबह से उनको कई फोन किए लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे. उनके घर पे भी ताला लगा है. रिश्तेदारों को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है. समझ में नहीं आ रहा मैडम, वो कहाँ चले गए? चाचू, एमएलए तो काफी टेंशन में लग रही है. चलो. नमस्ते सर. हियरिंग का टाइम हो गया है. आपका वकील अब तक क्यों नहीं आया है? पता नहीं साहब. तो आपकी तरफ से एविडेंस कौन पेश करेगा? सारे एविडेंस लॉयर के पास है साहब. कोई वकील नहीं और कोई एविडेंस भी नहीं. इस तरह आप कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं. इसलिए मैं इस केस को डिसमिस. एक्सक्यूज मी सर, हमें लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट कीजिए. मैं इसकी अथॉरिटी आपको नहीं दे सकता, वकील चाहिए. चाचा उठो, केस आप लड़ेंगे. उठ जाओ. ये क्या बक रहा तू? डिसाइड हो गया, चलो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो. लेकिन शुरू कैसे करो? लीव ऑफ एब्सेंस मांगो. और एविडेंस का क्या? एविडेंस आ जाएगा. सबूत और गवाह लाना मेरा काम है. चलो. योर ऑनर, मेरा नाम श्रीपति है. ये केस मैं टेक ओवर करता हूं. लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करें. आपके पास कोई एविडेंस है? किस बिना पे लड़ेंगे आप? इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो. वीरेंद्र को फांसी दो. वीरेंद्र बलात्कारी है. वीरेंद्र को फांसी दो. खामोश. ऑब्जेक्शन योर ऑनर. किसी भी केस में क्या चाहिए? सबूत और गवाह चाहिए. न्याय मिलेगा मगर कब? जब गुनाह साबित हो. लेकिन अखबार में हेडलाइन छपने से या किसी न्यूज चैनल के कहने से या लोगों के आवाज उठाने से या किसी एक एमएलए के सपोर्ट से केस का फैसला नहीं होता. जज साहब, जज साहब, रात को अगर रेप हो तो अगली सुबह लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होगी. ये आप भी जानते हैं. प्रेग्नेंट? यस, आप इसे रेप कह रहे हैं. जिस दिन रेप हुआ शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट. ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट. लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था. उसे 1 नहीं 10 बार होटल के रूम से कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया था. आइए सर, ये बात बिल्कुल सच है सर. हमने उसे 10 बार अरेस्ट किया लेकिन उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसके माँ बाप को ना बताएं, इसलिए एक ही बार कंप्लेंट लिखी. सर सर नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर. मेरी बेटी थी वो, उस पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाइए. आपसे भीख मांगता हूँ. बहुत अच्छी थी मेरी बेटी, हम ये केस वापस ले लेंगे. ए, और तुम्हारे कहने से नहीं चलता. आपने देखा जज साहब, जब राज खुलने लगा तो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे. इन्हें फंसाने के पीछे इनका एक खास मोटिव था. मेरा क्लाइंट बिजनेसमैन है, युवा पीढ़ी का आइकॉन. पूरी फैमिली ने मिलकर मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने का, लूटने का प्लान बनाया. और जब वो झांसे में नहीं आया तो हर सुबह हर शाम रेप केस करने की धमकी दे देकर मेरे क्लाइंट को हैरेस किया.
इनकी बेटी धंधा करती थी, वीरेंद्र को ब्लैकमेल करके उससे मोटी रकम एंटा जाती थी, सारे एविडेंस भी यही कहते हैं। और ये ना सिर्फ मेरा दावा है, दिस इज दी ओनली ट्रुथ। समाज के नाम पर कलंक है ये लड़की, और किसे पता, शायद इसके माँ बाप ने ही इसे इस काम में झोंका हो। इस शहर की गंदगी है ये। कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करने और एक निर्दोष इंसान पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में यह कोर्ट आपको दोषी मानता है। द केस इज डिसमिस्ड। चला जा।